व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। आज के लेक्चर की स्टार्ट करते हैं इस तस्वीर के साथ में। आप लोगों को ये बताना है इस प्लेयर का नाम क्या है, इस प्लेयर का नाम बताना है। और जब एशियन गेम आप लोगों को अभी इंडोनेशिया में देखने को मिले, उसमें इनकी इनसे रिलेटेड कुछ स्पेशलिटी थी वहां पर, वो क्या थी, ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन हम लोग को डिस्कस करने हैं, काफी शानदार क्वेश्चन आज आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। आज है 12 सितंबर। वीडियो के एंड में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आप लोगों को देना है। इसी के साथ में आप लोगों ने अपना स्कोर भी जरूर बताना है, भले ही 0 क्यों ना हो, देखिए ये स्कोर जरूर बताएगा आप लोग, ठीक है। 0 आना कोई शर्म की बात नहीं है, बस आप लोग इससे तो और भी अच्छी बात है, कम से कम आप लोगों ने ट्राई किया है। जो ट्राई नहीं कर रहे हैं उनके लिए है दिक्कत। तो आप लोगों ने डायलॉग भी सुना होगा कि डायलॉग में जो बोला जाता है कि मंजिल मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। जो आप लोग प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, आप लोग ट्राई ही नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा। तो इसलिए कभी भी आप लोग गिरने से मत डरिए, ठीक है, गिर के आप लोग और ज्यादा स्ट्रांग होकर उठेंगे, तो ये बात आप लोग को माइंड में रखनी है। तो स्टार्ट करते हैं आगे, और इस लेक्चर की पीडीएफ आप लोगों को नीचे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों से यहाँ पर एक बात और करनी है मुझे। देखिए मैंने यहाँ पर एक सर्वे कराया है, आप लोग कम्युनिटी सेक्शन में जाकर वहां पर जाकर आप लोगों को वोट करना है। यानी कि आप लोगों को दो सर्वे वहां पर कराए गए हैं, एक तो किस एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, दूसरा सर्वे वहां पर ये है कि आप लोग किस लैंग्वेज में तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों सर्वे के आंसर आप लोगों को नीचे देने हैं वहां पर, उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे प्रोवाइड करवा दूंगा। डायरेक्ट लिंक पर जाकर आप लोग वोट डाल सकते हैं वहां पर, इससे मुझे फ्यूचर में ये पता चल पाएगा कि आप लोगों के लिए और क्या करना है। मुझे ये माइंड में क्लियर रहेगा कि आप लोग किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप लोगों के लिए किस हद तक मैं क्या कर सकता हूं, तो वो सारी बातें मेरे माइंड में रहेंगी। और उसी के बेस पर आप लोगों का जो मटेरियल आएगा वो तैयार करके मैं रखूंगा, उसी के बेस पर आप लोगों मतलब आप लोगों के एग्जाम के लिए और ज्यादा स्पेसिफिक चीज में लेकर आ पाऊंगा, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो वो सर्वे में आप लोग जरूर वोट डालिएगा, नीचे लिंक मिल जाएगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, उस लिंक पर डायरेक्ट जाकर आप लोग कम्युनिटी सेक्शन में पहुंच जाएंगे, वहां पर जाकर आप लोग वोट करनी है, ओके। आइए अब देखते हैं यहां पर बात करते हैं इसके बारे में, तो क्या क्या बातें निकल कर आ रही है। बात यहां पर यह निकल कर आ रही है, अभी आप लोगों को देखने को मिला यहां पर हमारी कंट्री की जो फोर्स है एयरफोर्स ने यहां पर अभी क्या किया, जो यहां पर जो जहाज होते हैं उसके अंदर हवा ही हवा में फ्यूल भरने की कोशिश की गई यहां पर। तो देखिए ये काफी अच्छा कारनामा है। नॉर्मली कब होता है ये, मान लीजिए कहीं पर लड़ाई चल रही है, ठीक है, तो वहां पर अगर मान लीजिए उसको नीचे तो उतार नहीं सकते हैं, तो वहां पर एयर में ही अगर फ्यूलिंग करनी है तो उस टाइम पर काफी काम आती है ऐसी चीजें। तो यहां पर जो कारनामा किया गया इंडियन एयरफोर्स के द्वारा सक्सेसफुली यहां पर फर्स्ट एवर मिड एयर फ्यूलिंग, मतलब मिड एयर रीफ्यूलिंग, मतलब हवा ही हवा में ईंधन डाल दिया गया। नॉर्मली आप लोग क्या करते हैं, गाड़ी लेके जाते हैं अपना जो पेट्रोल पंप होता है, रोकते हैं वहां पर जाकर फ्यूल भरवाकर फिर चलते हैं। यहां पर गाड़ी रोकने की जरूरत ही नहीं है और ना ही नीचे उतारने की जरूरत है, हवा ही हवा में फ्यूलिंग यहां पर कर दी गई है। तो यहां पर ये देखने को मिलेगा, तो यहां पर फर्स्ट यहां पर ये एयरक्राफ्ट तेजा ये है MK-1 के द्वारा यहां पर देखने को मिला, और यहां पर IL-78 ये MKI ये टैंकर था जिसकी हेल्प से ये काम किया गया, ओके। सेकंड जो यहां पर स्टेटमेंट है ये है कि जो फ्यूल ट्रांसफर किया गया, ये जो रिफ्यूल किया गया, ये यूके के बनाया गया टैंकर है जिसका नाम है IL-78, ठीक है, तो ये बोला गया। तो ये यूके का बनाया हुआ टैंकर नहीं है, ये ऐसे काम हमारे साथ में कौन कर सकता है, ओनली रशिया ही हमको ऐसी टेक्नोलॉजी दे सकता है। नॉर्मली अगर आप लोगों को देखने को मिलेगा तो रशिया के द्वारा है ये, ना कि यूके के द्वारा। तो सेकंड स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गई, फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर सही है। थोड़ा और जान लेते हैं इसके बारे में, यहां पर देखने को मिला आप लोगों, तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। इसके अलावा ये लगभग 20,000 फीट पर ये कारनामा किया गया, और जो फ्यूल था यहां पर ये था 1900 किलो फ्यूल जो कि यहां पर डाला गया। और इसके अलावा यहां पर जो लॉन्च किया गया था, जो टैंकर वाला एयरक्राफ्ट था वो आगरा से चला था, और जो फाइटर एयरक्राफ्ट था वो ग्वालियर से चला था, ठीक है, तो दोनों अलग अलग जगह से चले थे, और उसके बाद में ऊपर जाकर ये फ्यूलिंग मतलब रीफ्यूलिंग आराम से कर पाए। इसके अलावा जो यहां पर HAL देख सकते हैं, और इसके अलावा एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ये क्लोजली मॉनिटर कर रही थी इसको यहां पर, किस तरीके से चीजें चल रही हैं, कोई प्रॉब्लम ना हो, यहां पर सारे पैरामीटर चेक इनके द्वारा किए जा रहे थे। तो ये देखिए हमारी कंट्री एक ऐसे ग्रुप में आकर शामिल हो गई है जो कि एयर फ्यूलिंग एयर रीफ्यूलिंग की जा सकती है एयर टू एयर में ही, तो ये कैपेसिटी बहुत कम कंट्री के पास में, तो हमारी कंट्री के पास में भी हो गई है, तो काफी अच्छी आप लोग इसको एक डेवलपमेंट अपनी कंट्री में बोल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, बात की जा रही है सेकंड क्वेश्चन के बारे में यहां पर, अभी क्या बात की जा रही है कि यहां पर अभी हमारी कंट्री में जो इंफोसिस है उसके साथ में मिलकर अभी सॉफ्टवेयर डेवलप करने की बात की गई। तीन साल की यहां पर आप लोगों को पार्टनरशिप नजर आएगी ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए, ठीक है, ये टेनिस के ओपन की बात की जा रही है। तो यहां पर क्या रहेगा, यहां पर अलग अलग टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा, ऑगमेंटेड टेक्नोलॉजी आप लोगों ने सुनी होगी, मतलब कहने का ये है कि आप लोगों को देखने को मिलेगा कि और ज्यादा अच्छे से यहां पर जो फंक्शन है उसको दिखाया जाएगा, जो भी यहां पर जो गेम होते हैं उनको अच्छे से और जनता तक आसानी से पहुंचाया जा सकेगा। पार्टनरशिप यहां पर न्यू वे करेगी एक्सपीरियंस का ऑस्ट्रेलियन ओपन का, यानी कि और शानदार तरीके से उसको देखा जाएगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर सही है कि किस तरीके से आने वाले टाइम में यानी कि मैच देखने में और ज्यादा मजे आने वाले हैं।
तो कहने का मतलब क्या है, जिस तरीके से आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके वर्चुअल टेक्नोलॉजी जो यहाँ रहेगी, वर्चुअल ऑगमेंटेड कहते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा, नॉर्मली क्या करते हैं, आंखों पे एक बोक्सा लगा लेते हैं, उससे क्या होता है एक वर्चुअल जिंदगी नजर आने लगती है वहां पर, ठीक है ना। ऐसा लगता है कि मतलब जिस जहां पर हम लोग जाना चाहते हैं वहां पर हम लोग पहुंच गए हैं। तो इस तरीके का मतलब एक तरीके से शानदार तरीके से और आने वाले टाइम में ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। फाइनेंशियल अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया कितने तरीके से कैसे कैसे दोनों काम करने वाले, कितना पैसे यहाँ पर करने वाले हैं, पर लेकिन काफी फायदा इसे देखने वाला है। एक अच्छे लेवल का यहाँ पर डेवलपमेंट निकल के आएगा, एक अच्छे लेवल का टूर्नामेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जा रही है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये बात की जा रही है बेंगलोर में एक एयरपोर्ट है जहां पर बात की गई कि आने वाले टाइम में फेस रिकॉग्नाइज करके वहां पर आप लोगों को अपना कोई पासपोर्ट वगैरह साथ में रखने की जरूरत नहीं है। वहां पर आपको जब वहां पर बोर्डिंग होती है यानी कि एंट्री होती है, मतलब जो चेकिंग होती है वहां पर टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहां पर ये एक एयरपोर्ट है यहां पर बेंगलुरु में जहां पर ये फैसिलिटी स्टार्ट की जा रही है, जिसको फेस रिकॉग्निशन की टेक्नोलॉजी यहां पर चेक करने के लिए आप लोगों का बस चेहरा देखा जाएगा, उसके बाद में एंट्री। तो है कहाँ पे, ये है कि बेंगलोर का एयरपोर्ट है यहाँ पर, यह केंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहाँ पर ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। कौन यहाँ पर स्टार्ट करेगा इसके साथ में मिलकर, तो यहाँ पर ये अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये है बेंगलुरु के जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसके साथ में मिलकर, ये फ्रांस की सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसका नाम है विजन बॉक्स, ठीक है ना। तो ये फ्रांस की नहीं है, ये कंपनी कहाँ की है उसके बारे में अभी देखेंगे हम लोग। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो यहाँ पर क्या हो गई, सही हो गई, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर क्या हो गया आप लोगों का, आंसर तो हो गया ए। अब यहाँ पर थोड़ा इसके बारे में और जान लेते हैं। तो जो ये कंपनी आप लोगों को नजर आएगी ये फ्रांस की नहीं है, ये एक पोर्चुगीज कंपनी आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी, ये देखिए, ठीक है। और ये विजन बॉक्स यहाँ पर फिर आप लोगों को नजर आएगा, यानी कि सेल्फ बोर्डिंग टेक्नोलॉजी, जिस तरीके से आप लोग एटीएम में जाते हैं अपना पैसे निकाल लेते हैं, कोई वहां पर आप लोगों को बताता नहीं है कि ऐसे ऐसे आप लोगों को, नॉर्मली गार्ड खड़ा होता है वो एक अलग बात है सिक्योरिटी के लिए, कोई एटीएम ही चुरा कर न ले जाए, पर लेकिन नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा कि वहां पर सारा काम आप लोग खुद से कर लेते हैं अगर आप लोगों को पता है तो। फर्स्ट ऐसा एयरपोर्ट होगा हमारी कंट्री पर जहां पर ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी, जेट एयरवे, जेट एशिया, या यहाँ पर जो है या स्पाइस जेट, ये जो फर्स्ट ऐसे यूजर होंगे इसके पैसेंजर जिनको ये फैसिलिटी यहाँ पर मिल पाएगी। तो कहने का मतलब ये जो टाइम का इतना ज्यादा कंज्यूम होता था और आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट फिजिकली लेकर घूमते थे, वो सारी चीजें अब साइड में हो जाएगी, सब कुछ यहाँ से अवेलेबल किया जाएगा आसानी से। तो एक अच्छा डेवलपमेंट आप लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की जा रही है हरियाणा गवर्नमेंट के साथ मिलकर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई है यहाँ पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर इथेनॉल प्लांट पानीपत में बनाने की, इथेनॉल प्लांट यानी कि ऐसा प्लांट जो कि आप लोग बोल सकते हैं कि आज के टाइम आप लोग क्या करते हैं, अगर किसी गाड़ी में फ्यूल डालते हैं तो पेट्रोल और डीजल डालते हैं, ठीक है, वो क्रूड ऑयल होता है, इथेनॉल इसको सब्स्टिट्यूट यहां पर देखने को मिलेगा, यानी कि इसका यूज किया जाएगा आने वाले टाइम में। अभी भी यूज कर रहे हैं पर इतना लार्ज स्केल पर नहीं कर रहे हैं, तो उसका प्लांट लगाने की बात करें, इससे क्या होगा जो किसानों की इनकम डबल करने की बात की जाती है 2022 तक, उसमें फायदा बहुत पहुंचने वाला है। तो इस तरीके से यहां पर आसपास वाले एरिया में जो किसान है उनसे यहाँ पर एक तरीके से क्या किया जाएगा, उनका जो भी वेस्ट है यहाँ पर जो क्रॉप का जो रेडिज्यू है, जो बचा बचा, जिस तरीके से आप लोग क्या करते हैं गन्ने छीलते हैं, गन्ने छीलने के बाद में पत्तियां बच जाती हैं, इसके अलावा मान लीजिए गेहूं निकाले, ठीक है, गेहूं काटने के बाद में ऊपर से गेहूं गेहूं काट लिया और नीचे का जो पोर्शन है उसको छोड़ दिया, तो जो भूसा बनता है उसको यूज किया जाएगा। तो इस तरीके जो चीजें हैं, जो रॉ मटेरियल यहाँ पर देखने को मिलेगा वो किसानों से लिया जाएगा, यानी कि किसानों के पास में अच्छा खासा पैसा आप देखने को मिलने वाला है आने वाले टाइम में अगर ये ढंग से चीजें इंप्लीमेंट की जाती है। तो बोला जा रहा है कि यहाँ पर जहां पर प्लांट होगा उसके 100 किलोमीटर की रेडियस से यहां पर ये किसानों से मटेरियल इकट्ठा किया जाएगा। 100 किलोमीटर नहीं है, 100 किलोमीटर बहुत बड़ा हो जाएगा, यहां पर 50 किलोमीटर की रेंज तक यहां पर इकट्ठा किया जाएगा, ठीक है। तो 100 किलोमीटर नहीं है, और किसके साथ में साइन किया है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है, कई क्वेश्चन बन जाएगा यहां पर कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है, तो वही हरियाणा है यहां पर, कौन सा यहां पर ये PSU है, ये है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, तो यहाँ पर कितनी रेंज होनी चाहिए, ये है 50 किलोमीटर। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग याद रख सकते हैं, और यहाँ पर लोकेशन क्या है, हरियाणा में पानीपत। ओके, तो आंसर क्या हो गया आप लोगों के हिसाब से, आंसर हो गया ए, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट में यहाँ गलती हो गई है, ठीक है। तो देख लेते हैं, तो वही सारी बातें यहाँ पर बताई जा रही है, कुछ भी यहाँ पर नया नहीं है। तो ये कुछ बातें आप लोग याद रख सकते हैं इसके बारे में, 50 किलोमीटर की आप लोग रेंज देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो कैपेसिटी बोला गया है यहाँ पर 100 किलोलीटर पर डे का यहाँ पर जो कैपेसिटी रहेगी, ठीक है। तो ये अभी जो मतलब 100 किलो जो यहाँ पर 100 किलोलीटर डेली यहाँ पर इनके द्वारा बेचा जाएगा, कहने का मतलब ये अभी इनिशियल में, आगे देखते हैं और क्या चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो काफी इंटरेस्टिंग है, देखते हैं कैसे आगे चीजें बढ़ती हैं। नेक्स्ट, ये तो क्वेश्चन आप लोगों का आंसर देना ही है, क्योंकि ये तो इसके ऊपर तो मैंने अलग से स्पेशल एक वीडियो भी बनाई थी कि सुसाइड कैसे करने से बचना है, जिस किसी ने देखी अच्छी बात है, नहीं देखी है तो देख सकते हैं। अगर डिप्रेशन में आते हैं तो आप लोग किस तरीके से, थोड़ा सा हो सकता है कि आपको वो वीडियो हेल्प कर दे। तो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के बारे में बात की थी, ये हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 11 सितंबर। तो क्या सही है ये, इस बार की जो थीम थी ये थी वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट द सुसाइड, तो यानी कि एक साथ में हम लोग काम करना है ताकि सुसाइड को रोका जा सके, ये थी इस बार की थीम। थीम तो बिल्कुल सही है,
पर लेकिन डेट में थोड़ा डाउट है, डाउट है तो आले चेक कर लेते हैं डेट में। तो जो डाउट है यहाँ पर ये 10 सितंबर, यानी कि 10 सितंबर है यहाँ पर, ना कि 11 सितंबर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का नॉर्मली एस्टिमेशन ये लगाया जाता है, अगर देखने को मिलेगा बहुत सारे लोग मारे जाते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, तो यहाँ पर उसी के बारे में बात की गई है। तो इसके द्वारा बोला जा रहा है कि 8 लाख लोग, लगभग 1 मिलियन, यानी कि 10 लाख के लोग, अभी ये एस्टिमेशन थोड़ा पुराना है, अब की आज के डेट में बोला जा रहा है लगभग 1 मिलियन, ठीक है ना, लोग मर जाते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पर नॉर्मली अगर लगाए 40 सेक, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा हर पर्सन 40 सेकंड में एक पर्सन मर जाता है सुसाइड से, ये कंडीशन आज के डेट में। तो इससे कैसे बाहर निकला जा सकता है, तो उन्हीं सब चीजों पर काम करने के लिए यहाँ पर ये चीजें हैं, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा आप भी सपोर्ट किया कीजिए यहाँ पर, अगर आप लोगों को लगता है कोई डिप्रेशन में, कोई इस तरह कंडीशन में, ताकि इस तरह की हरकतें न करें इंसान और इन सब चीजों से दूर रहे। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया यहाँ पर बी, क्योंकि यहाँ पर ये 10 है ना कि 11 सितंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की गई है फर्स्ट एवर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिली बिमिस्टिक, यहाँ पर ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज पहली है। सबसे पहली बात ये बिमिस्टिक, यहाँ पर याद रखना आप लोगों, बिमिस्टिक की एक्सरसाइज है, ठीक है, ब्यो बंगाल जो सेक्टोरल इनिशिएटिव है मतलब बंगाल वाले एरिया में। ओके, इसका एक्सरसाइज का नाम याद रखना है, यह है MILEX, ये 2018 इसका एक्सरसाइज का नाम याद रखा गया है, इसका नाम ही रखा गया है, और पुणे में ही आप लोगों को देखने को मिली। ये जो है यहाँ पर फर्स्ट टाइम जो भूटान है यहाँ पर आउट ऑफ द रेस है, यानी कि भूटान इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, भूटान नहीं है यहाँ पर, ये नेपाल है, ठीक है ना। नेपाल ने ये बोला है कि वो इंडिया और रशिया, वो इंडिया और चाइना से इक्वी डिस्टेंस बनाना चाहते हैं मिलिट्री के मैटर में, उनके पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता है, इसलिए नेपाल ने ये बातें बोली हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया यहाँ पर ए, तो यहाँ पर भूटान नहीं है, ये नेपाल है, ठीक है। बाकी आप लोग चीजें देख सकते हैं, सबसे पहली बात तो ये फर्स्ट एवर ऐसी एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर ये किस लिए टेररिस्ट एक्टिविटी अगर कोई होती है तो आपस में कोऑपरेट करके इन सब चीजों को रोका जा सके, उन सब चीजों पर फोकस देकर ये चलती है। नेपाल ने मना किया पार्टिसिपेट करने से, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल, टोटल 7 कंट्री आप लोग यहाँ पर नजर आएंगी जो कि यहाँ पर इसका पार्ट है। इसके अलावा थोड़ी सी बातें और हैं यहाँ पर, वैसे तो ये बिमिस्टिक वाली वीडियो में सब कुछ कवर कर चुका हूँ। 22% ग्लोबल पॉपुलेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी और लगभग 2.8 ट्रिलियन इकोनॉमी यहाँ पर देखने को मिलेगी। देखिए बाकी कंट्री की इकोनॉमी ज्यादा बड़ी नहीं है, इंडिया की लगभग 2.6 आप लोगों को देखने को मिल जाती है, बाकी कंट्री तो बहुत छोटी कंट्री है अगर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग देखेंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी डिसाइड किया है कि वो एक कन्वेंशन यहाँ पर होल्ड करेगा ताकि यहाँ पर प्रिजर्व किया जा सके जो भी हेरिटेज जो प्रॉपर्टी है, यानी कि जो भी किले वगैरह है वहां पर, उन सब चीजों को प्रमोट किया जा सकेगा टूरिज्म को और ज्यादा है। तो ये बात स्टार्ट की गई भरतपुर में, क्या ये सही है? जी हाँ बिल्कुल सही है, ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा इंडियन हेरिटेज होटल एसोसिएशन के द्वारा। देखिए ऐसी कारनामे क्यों किया जाता है, ऐसे कारनामे इसलिए किए जाते हैं ताकि जो पर्टिकुलर एरिया में जो भी टूरिस्ट एक्टिविटी है उनको बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा वहां पर और भी जो यहाँ पर जो पुरानी जो हेरिटेज है उसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जा सके, यानी कि जो नई जनरेशन आ रही है जिनको पता नहीं है इन सब चीजों के बारे में उनको और ज्यादा चीजें बताई जा सके, क्योंकि नई जनरेशन को तो ये भी नहीं पता होता कि परदादा का नाम क्या है, ठीक है। आप लोग खुद भी देख लीजिएगा आसपास में, अगर किसी से पूछा जाए कि आपके परदादा का क्या नाम है तो नॉर्मली किसी को नहीं पता रहेगा आज की डेट में। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगी 100-200 साल पुरानी है, उनको कौन याद रखेगा। तो इसीलिए यहाँ पर अवेयरनेस फैलाई जा सके और ज्यादा कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सके, इन सब चीजों को इसलिए पिक्चर में लाया जाता है। तो दोनों ही आंसर यहाँ पर सही है, तो आंसर क्या हो गया हमारे हिसाब से, यहाँ पर आंसर हो गया यहाँ पर सी, ठीक है ना। तो दोनों ही आंसर यहाँ पर सही है, तो ये हो गया आंसर आप लोगों के लिए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की जा रही है यहाँ पर 2018 ग्लोबल समिट ऑन क्लाइमेट चेंज। इंटरेस्टिंग पता है क्या है यहाँ पर, इंटरेस्टिंग ये है कि ये कहाँ पर देखने को मिलेगी, क्लाइमेट चेंज की बात की जा रही है, कहाँ पर ये की जा रही है, कैलिफोर्निया यूएसए में, ये वहीं पर बात की जा रही है जो डोनाल्ड ट्रंप का घर है। और डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब क्या कर रहे हैं, वो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर निकल रहे हैं। तो देखिए आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर कि उसी इंसान के घर में यहाँ पर ये, तो इसलिए याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल अराउंड द वर्ल्ड यहाँ पर लोग इकट्ठे होंगे और फ्यूचर किस तरीके से क्लाइमेट चेंज को यहाँ पर टैकल करके चला जा सकता है उसके ऊपर बात करेंगे। तो इंटरेस्टिंग है, चलिए जो भी है अच्छा है। चलिए देखिए डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं और किस तरीके से चीजों के बारे में डिस्कस किया जाता है, क्योंकि उनका तो मानना ही है क्लाइमेट चेंज जैसी नाम की कोई चीज होती नहीं है, ये बस एक परसेप्शन है लोगों का, वरना ऐसा कुछ होता नहीं है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बात की जा रही है इंडिया और जर्मनी के बारे में। इंडिया और जर्मनी ने अभी यहाँ पर साइन किया है इंप्लीमेंट करने के लिए एक एग्रीमेंट, जिसमें यहाँ पे बोला गया है मोबिलाइज योर सिटी, यानी कि जो सिटी में जो भी यहाँ पर ट्रांसपोर्ट सेक्टर होता है उसको किस तरीके से एवरग्रीन बनाया जा सके ताकि ग्रीन हाउस गैस जो है वो कम की जा सके यहाँ पर। तो उन सब चीजों पर फोकस देने की बात की जा रही है। तो इंडिया और जर्मनी की बात की जा रही है, क्या ये इंडिया और जर्मनी है वो अभी हम लोग देखेंगे, पर ये न्यू दिल्ली में हुआ है ये आप लोगों को याद रखना है। इसमें एम क्या रहेगा, नागपुर, कोच्चि और अहमदाबाद में ज्यादा से ज्यादा हम लोग को रिड्यूस करना है ग्रीन हाउस गैस का जो इंपैक्ट होता है। तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पर।
तो बात की जा रही है यहां पर, ये कौन है, फ्रांस है ना कि जर्मनी। तो पहली स्टेटमेंट देखने को मिलेगा आप लोग क्या हो गई, गलत हो गई, तो आंसर तो आप लोग का बी हो गया। थोड़ा सा और जान लेते हैं, तो यहां पर ये देखने को मिलेगा नागपुर, कोच्चि और अहमदाबाद, यहां पर बात की जाएगी अभी रिड्यूस करने की, किस तरीके से यहां पर हम लोग ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस कर सकते हैं। और इसके अलावा यहां पर इंप्रूव किया जाएगा जो सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी है उस पर फोकस देकर चला जाएगा। फ्रांस को देखें यहां पर काफी अच्छे से यहां पर रोल प्ले किया जाएगा, सपोर्ट करेगा। और इसी के साथ में जर्मनी गवर्नमेंट ने भी लॉन्च किया था 21st कॉन्फ्रेंस, यहां पर उस टाइम पर बोला गया था, मीटिंग भी हुई थी 2015 में। जर्मनी भी यहां पर कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पर यहां पर काम करती नजर आएगी, पर अभी का जो इनिशिएटिव है ये यहां पर फ्रांस का है ना कि जर्मनी का, ये बात आप लोग के माइंड में क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आज जो आप लोग यहां पर बताना है, एक्ट्रेस का नाम बताना है, कौन सी हीरोइन है यहां पर जिसको अभी कंफर्म किया गया है यहां पर, यह है यहां पर मेले स्ट्रिप अवार्ड। ठीक है, ये अवार्ड यहां पर दिया जाना है, तो कौन सी यहां पर एक्ट्रेस है, कौन सी हीरोइन है, ये है आप लोगों के लिए क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर देख लेते हैं। इंटरनेशनल लिटरेसी डे ये आप लोगों को नजर आता है 7 अप्रैल को। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, और थीम भी आप लोग यहां पर याद रखते हैं, ये है लिटरेसी एंड द स्किल डेवलपमेंट, इस बार की थीम है। थीम पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, बाकी आप लोगों को टाइम ये याद रखना है 8 अप्रैल। ओके, तो ये था हमारा डिस्कशन, आप लोग देखिए जो मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों को वोट जरूर डालनी है, कम्युनिटी सेक्शन में चले जाइएगा, वहां पर जाकर बताइए किस एग्जाम की तैयारी करें और किस मीडियम से आप लोग तैयारी करें। लिंक आप लोगों को नीचे मिल जाएगा वीडियो के नीचे, आप लोग डायरेक्ट लिंक पर जाकर कम्युनिटी सेक्शन में पहुंच सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।